हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको विंटर टिप्स बताने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड। जैसे कि जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर में, या फिर हमारा मेकअप बहुत जल्दी डल पड़ जाता है, या फिर फ्लॉलेस नहीं दिखता, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेकअप परफेक्ट एंड फ्लॉलेस दिखे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो की सबसे पहली टिप है, डोंट स्किन केयर बिफोर मेकअप। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है विंटर में तो स्पेशली, कि आपको मेकअप से पहले अपना स्किन केयर जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फाउंडेशन से आप अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं, स्किन केयर जरूर करना है। जैसे कि टोनर है, टोनर से कितनी अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है स्किन। सीरम है, एक एडिशनल लेयर देता है आपके हाइड्रेटिंग स्किन के लिए। तो मतलब डिटेल्स में मैंने अपना स्किन केयर आपको पता रखा है, आपने मेरी मेकअप वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैं इन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताए हैं बेस्ट, तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट गैस, आपको अपना स्किन केयर जरूर करना है और पूरे स्टेप के आपको क्या क्या यूज करना है मेकअप से पहले, उन सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ, वो है स्विच ऑफ योर प्राइमर। यार आपको पता है कितनी अच्छी से हाइड्रेट कर देता है, हमारे जितने भी पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। मतलब ना एक एडिशन हो जाती है लेयर की हमारे मेकअप से पहले, जिससे वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ ही साथ जितने भी हमारे पोर्स वगैरह हैं वो सब फिल हो जाएंगे। तो आप प्राइमर जरूर यूज करें, जैसे जो बहुत ज्यादा थिक होता है ना वो प्राइमर यूज नहीं करना, कोशिश करना कि जो लिक्विड फॉर्म में हो वो यूज करें। नेक्स्ट टिप है हमारी, ऑलवेज यूज ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। किया विंटर में आपको बिल्कुल भी ड्राई वाला यूज नहीं करना है फाउंडेशन, या तो आपका फाउंडेशन ऑयल बेस्ड हो या क्रीम बेस्ड हो। जैसे कि अगर आपने मेरी मेकअप वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें एक लैक्मे एब्सोल्यूट का मैं यूज करती हूँ फाउंडेशन, वो ना थोड़ा ड्राई साइड पर है तो वो मैं विंटर में यूज नहीं करती हूँ, वो समर के लिए बेस्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फाउंडेशन लिक्विड बेस्ड हो, इससे ना आपका जो मेकअप है, जो आपका फाउंडेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, फ्लॉलेस दिखेगा इससे आपका मेकअप, एंड ना बिल्कुल भी ड्राई स्किन नहीं होगी आपकी, काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप है, स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग टू पाउडर। यस, आपको पाउडर वाले बेस्ड प्रोडक्ट से दूर रहना है, वो यूज नहीं करने हैं। जैसे कि कॉम्पैक्ट आपको यूज करना है बट बहुत कम क्वांटिटी में, ज्यादा यूज नहीं कर सकते विंटर में क्योंकि ड्राई हो जाएगी स्किन। तो मेकअप को सेट करने के लिए आप थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। एंड अगर आप कंसीलर वगैरह से पहले अगर पाउडर ड्राई वाला यूज कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम यूज करें। यार ऑब्वियसली मैं जब कह रही हूँ कि आपको लिक्विड बेस्ड करने हैं, क्योंकि उससे ना हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी विंटर में, आपको पता है कितनी जल्दी ड्राई होती है, तो आप जितना पाउडर यूज करोगे तो ड्राई होगी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टिप है, डोंट स्किप लिप बाम बिफोर लिपस्टिक। यस, कभी कभी ना हम लोग जल्दी में फटाफट लिपस्टिक लगा लेते हैं और उससे पहले लिप बाम यूज करना भूल जाते हैं, बट आपको नहीं करना है क्योंकि अगर आपकी लिप्स ड्राई हुए तो आपकी लिपस्टिक बहुत ज्यादा बेकार लगने वाली है और उसकी वजह से आपका पूरा मेकअप बेकार लगेगा, क्योंकि लिपस्टिक हमारे मेकअप का बहुत बड़ा पार्ट है, एक तरीके से बहुत बड़ा रोल करती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी लिप बाम स्किप नहीं करनी है, क्योंकि लिप बाम लगाने से ना हमारी जो लिप्स हैं वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाते हैं, तो जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो वो परफेक्ट लगती है। सो नेक्स्ट टिप है हमारी, यूज डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर टू अप्लाई फाउंडेशन। यस, आपको कभी भी ड्राई मतलब सूखा ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करना है अपने फेस पर। आप देख रहे हैं ड्राई और वेट में कितना डिफरेंस है, आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करना है, उसकी वजह से ना आपका पूरा मेकअप बहुत ज्यादा बेकार लगेगा। आप कहेंगे कि यार मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करे, सब ऑयल यूज करे, फिर भी मेरा मेकअप पता नहीं क्यों बेकार लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से यूज नहीं करते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है, सेकेंड चीज कि आप हमेशा उसे रब नहीं करना है, आपको डैप डैप करके प्रेस करना है, मतलब रब नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट टिप है, यूज लिक्विड हाइलाइटर। अगर आप हाइलाइटर यूज कर रहे हैं तो आप लिक्विड वाला करें। एक्चुअली यार विंटर में ना ग्लो का एक अलग ही है, लुक को बहुत अच्छा लगता है जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, और लिक्विड हाइलाइटर से ना तो स्किन बहुत अलग ही दिखती है, लुक बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। तो आपको लिक्विड हाइलाइटर यूज करना है। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।